सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी से ईडी और सीबीआई की पूछताछ पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी और तब तक जांच एजेंसियों अभिषेक से पूछताछ नहीं कर सकेंगी। 13 अप्रैल को कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी अभिषेक से पूछताछ कर सकती है और यह जांच जल्द ही की जाए। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को यह निर्देश भी दिया था कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी अफसरों पर कोई एफआईआर ना दर्ज की जाए। अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीजीआई डी वाई चंद्रचूड, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पादरीवाल की बेंच ने सोमवार को दोनों आदेशों पर रोक लगा दी है। 29 मार्च को अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि एजेंसियों की कस्टडी में लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो घोटाले में मेरा नाम लें। इस केस में एक अन्य आरोपी कुंतल घोष ने भी आरोप लगाया था कि उन पर अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। घोष को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसे उनकी कस्टडी दे दी गई थी। इसके बाद 20 फरवरी से 23 फरवरी तक सीबीआई कस्टडी में भेजा गया था। कुंतल घोष ने अपने आरोपों के संबंध में सीबीआई के खिलाफ निचली अदालत के जज को खत भी लिखा था। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि इस बात की जांच करनी होगी कि क्या घोष ने अपनी बात अभिषेक बनर्जी की स्पीच से प्रभावित होकर तो नहीं कही। ऐसे में सीबीआई ईडी जब चाहे अभिषेक से पूछताछ कर सकती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।